मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि इंडिया वर्ल्ड नंबर 6 में था नेशनल इनकम में, अभी पिछले हफ्ते वर्ल्ड नंबर 5 में आ गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, फिफ्थ यूके था, उसको पीछे करके इंडिया इज नाउ फिफ्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। पर ये नेशनल इनकम होता क्या है? सी, पूरा साल फाइनेंशियल ईयर कौन सा है इंडिया का? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये जो 12 महीने में जो गुड्स बनाते हैं, बेचते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका रुपए में वैल्यू। सो इंग्लिश में मनी, नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1 ईयर। इंडिया का 1 ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो ये जो नेशनल इनकम है इंडिया का 200 लाख करोड़ है, और अगले 7 से 8 साल में इंडिया वर्ल्ड नंबर 3 में आ जाना चाहिए। जर्मनी भी अपने पीछे चला जाएगा, जापान भी अपने पीछे चला जाएगा, और जो नेशनल इनकम वक्त के साथ साथ बढ़ता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में नंबर 1 में अपन है। 7 साढ़े 7% के ग्रोथ में अपन चल रहे हैं, बाकी देश 2 3 4%। चाइना से भी अपन फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बट चाइना का अपने से करीबन 5 गुना नेशनल इनकम है, ठीक है ना, और अपने से 7 8 गुना अमेरिका है। सो उनको टच करने के लिए 50 साल लगेगा अपने। तो ये जो नेशनल इनकम है इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं या कौन करता है? कैसे करते हो तो आगे आएगा, कौन करता है? नेशनल इनकम कमिटी 1949 को एस्टेब्लिश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जवाबदारी है, जो कि डेटा नेशनल इनकम का और उसके जो एग्रीगेट्स पब्लिश करता है। इसके डेटा मार्केट में तुम खरीद सकते हो इन लोगों से, क्योंकि 500 पैरामीटर्स रहते हैं। एग्रीकल्चर रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर, इतने सारे सेक्टर्स रहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम सिंस पूरे देश की बात करता है, तो ये मैक्रो का पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। मैंने कल एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स देखा, iPhone 14 खरीदने के लिए लोगों को कितने दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है? अमेरिका में 2 दिन से 3 दिन में आईफोन आ जाएगा, अलग अलग देश का। अपने को 64 डेज काम करना पड़ेगा तब जाकर हम आईफोन खरीद पाएंगे। नाउ ये 64 डेज कैसे कंप्यूट करते हैं? पहले तो इंडिया का नेशनल इनकम कितना है? 200 लाख करोड़। इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, करीबन 130 करोड़। इंडिया का पर कैपिटा इनकम, एक आदमी कितना कमाता है इंडिया में? करीबन 1,40,000। इस पे से इन्होंने कंप्यूट करके बोला कि बेसिक मॉडल जो है आईफोन का 14 का, इट विल टेक 64 डेज जो काम करने के बाद लेबर को मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे तो 2 दिन 3 दिन के मेहनत में जो उतना कमाई होता है वो हो जाता है। और इंडिया का आई थिंक पिछले नंबर से तीसरा है, अपन नेशनल इनकम में वर्ल्ड नंबर 5 है, बट एक आदमी जो पर कैपिटल इनकम जो कमाता है उसमें अपन वर्ल्ड नंबर 100 के आसपास चले जाते हैं। अपने से आगे शायद पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी शायद अपने से आगे हो इस मामले। वहां पॉपुलेशन कम है, इसलिए इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से पर कैपिटल इनकम कम हो जाती है। तो जो नेशनल इनकम है, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, अब ये 3 भाग में बांटा जाता है, 3 सेक्टर्स। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब क्या? एग्रीकल्चर और संबंधित, उसमें तुम्हारा फिशरी भी आ जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर यदि 100 रुपए नेशनल इनकम है तो एग्रीकल्चर देता है 12 रुपया। सेकेंडरी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर देता है करीबन 22 से 24 रुपया। सर्विस सेक्टर देता है करीबन 60 रुपीज प्लस, 62 रुपीज। इसका मतलब अपने नेशनल इनकम में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर में क्या क्या आएगा? तुम्हारा बॉलीवुड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन,
वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कोई भी डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड में, अमेरिका या जापान, उनका नेशनल इनकम जो है उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है ना एग्रीकल्चर, वो सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 98%। सो डेवलप्ड कंट्री देखना हो, उसका एग्रीकल्चर का जो इनकम है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, नेशनल इनकम कई रूप में कंप्यूट करते हैं, बट बहुत फेमस थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो हम बाद में देखेंगे जीडीपी क्या है। फिलहाल तुम सिर्फ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में पाओ। सो नेशनल इनकम में अमेरिका और जापान का सिर्फ 2 रुपया है एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया का 12 रुपया है, एक जमाने में 50 रुपए था, कम होते होते थे 12 से 13 रुपए में आ गया, ये और घटेगा। आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सेंटर स्टेज लेगा। अभी सेमीकंडक्टर्स अपन बना रहे ना, इंडिया में भी चालू है, लेकिन 2 साल और वेदांता ने भी टाइप किया है ताइवान वालों के साथ। ये सब सेमीकंडक्टर्स में पूरा दबदबा किसका है? ताइवान का। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? कम से कम 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले गुजरात में, और 2 साल के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। तो और भी वो मैन्युफैक्चरिंग का इनकम बढ़ेगा जीडीपी में, नेशनल इनकम। सो रियल टर्म नेशनल इनकम क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देश में जो आउटपुट आता है इकोनॉमी, मतलब इंडिया ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। और डेफिनेशन जो इंडिया का नेशनल इनकम कमिटी क्या बोलता है, नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है वो कमोडिटीज और सर्विसेज जो गिवन पीरियड, मतलब एक साल, विदाउट डुप्लीकेशन। टायर कौन बनाता है? MRF। वही टायर मैंने मारुति कार में डाल दिया, टायर का कीमत पकड़ लो 5,000 रुपया और मारुति का कीमत 5 लाख रुपया, तो डबल काउंटिंग नहीं हुआ। एग्जाम्पल, एक किराना वाला पानीपुरी बेचता है, पानीपुरी का पूरी बेचता है 60 रुपए का पैकेट, और वही 60 रुपए का पैकेट पानीपुरी वाला बना के बेचता है, तो पानीपुरी जो बेच रहा है उसमें पूरी ऑलरेडी किराना वाले के टर्नओवर में काउंट कर लिया पूरी, और पानीपुरी बेचने वाला, डबल काउंटिंग नहीं हुआ। अच्छा, ईंट वाला बेचता है, एक ईंट मुझे लगता है 6 से 10 रुपए की भी आना चाहिए, अपन ने उसका टर्नओवर काउंट किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में भी काउंट किया, डबल काउंटिंग नहीं हुआ। डबल काउंटिंग हुआ ना, सपोजेडली एक शर्ट ले लो, शर्ट में कॉटन जो बनता है उसके बाद सिलाई होता है, वो कॉटन भी काउंट किया, शर्ट भी काउंट हुआ, डबल काउंटिंग हो जाएगा भाई। तो तुम एक काउंट करो, या तो शर्ट काउंट करो और कॉटन और धागा सब माइनस कर दो, हटा दो सब। तो डबल काउंटिंग का ये मतलब कि मैं यदि मारुति काउंट कर रहा हूं, तो MRF ने जो मारुति को टायर बेचा है, वो MRF कंपनी का टर्नओवर जो टायर है वो मैं काउंट नहीं करूंगा, नहीं तो उधर भी 5,000 काउंट होगा, ये 5 लाख में भी 5,000 इन लोगों का जोड़ा होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। सो नेशनल इनकम जब भी काउंट करते हैं डुप्लीकेशन काउंट नहीं करते, क्योंकि दो जगह पे टर्नओवर दिखेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा काउंटिंग। अच्छा, एक और एग्जांपल, तुमने कार खरीदा, तुमने कार किसी को बेचा, अच्छा वो जीडीपी में काउंट होगा? कैसे होगा? ओरिजिनली तो काउंट हुआ था, तुम वही कार को सेकंड टाइम काउंट कैसे कर सकते हैं? लॉजिक समझ में? वो कार 5 लाख का काउंट हुआ था, तुम बेच रहे हो 2 लाख में, अब 5 + 2 = 7 लाख हो जाएगा, नेशनल इनकम तो एक ही बना है 5 लाख, ये तो तुम्हारा सेकेंड हैंड का है, तो सेकेंड हैंड फिर काउंट नहीं करे। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा फीचर जब लूंगा कि उसका दलाली काउंट करते हैं, क्यों काउंट नहीं करते, वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो डुप्लीकेशन मतलब तुम या तो टायर काउंट करो और मारुति में टायर माइनस करो, या तो टायर काउंट मत करो, मारुति में टायर काउंट करो। तो बेस्ट तरीका क्या है? मारुति को काउंट करो। मर्सिडीज बेंज तुम्हारा एस क्लास में 60,000 पार्ट्स है, तुम्हारा बोइंग 747 प्लेन में 60 लाख पार्ट्स है, तुम हर एक पार्ट को अलग काउंटिंग करोगे या बोइंग 747 के प्लेन को काउंट करोगे? बोइंग 747 प्लेन काउंट करो, 60 लाख काउंट करते करते हालत खराब हो जाएगी। तो आउटपुट काउंट करते हैं, जो रॉ मटेरियल का फिर कॉस्ट काउंट नहीं करते, तो वो सही तरीका होता है, वो हम आउटपुट मेथड में भी देखेंगे। तो ये था नेशनल इनकम तुम्हारे लिए। सबको क्लियर हुआ नेशनल इनकम का कंसेप्ट? अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ नेशनल।